बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आप देख रहे हैं MR फूड सीक्रेट्स। दोस्तों आज मैं आपके लिए प्याज़ के पकोड़ों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब ये प्याज़ के पकोड़े बनते हैं। तो ये हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर 4 से 5 अदद हमारे पास बड़े साइज़ के प्याज़ थे, जिनको हमने काट के एक बॉल में ऐड कर लिया है। और अब हम यहाँ पर इसमें 2 अदद अंडे ऐड करेंगे। और इन अंडों को और प्याज़ों को हमने अच्छे तरीके से हाथों से मसलते हुए मिक्स करना है, ताकि ये प्याज़ अलग अलग हो जाएं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो अब हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे बेसन के। और बेसन ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें 1/2 चम्मच ऐड किया है पिसा हुआ गर्म मसाला, 1/2 चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्च, 1/2 चम्मच पिसे हुए लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हमने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा और 1/4 चम्मच हमने इसमें हल्दी का ऐड किया है। और ये 1 चम्मच हमारे पास कुटा हुआ धनिया है वो ऐड किया है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च हैं कटी हुई वो ऐड की हैं। और 3 से 4 चम्मच ही हमने इसमें सब्ज़ धनिया के ऐड किए हैं। और इस मसाले को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। याद रहे कि इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बेसन को हमने इसमें वक्फे वक्फे से ऐड करना है, जितनी हमें ज़रूरत हो उस हिसाब से हमने इसमें ऐड करना है। यहाँ पर 2 चम्मच मैं और ऐड कर रहा हूँ। आप अगर देखें कि आपका जो मसाला है वो पतला है तो आप उसमें और ज़्यादा बेसन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड किया है और इसे हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। और ऑयल गर्म करने के बाद हमने इसमें इस तरीके से पकोड़े शामिल करते जाने हैं और इन्हें तलाई कर लेना है। दोस्तों बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब ये पकोड़े बनते हैं, बहुत ही कम खर्च में बन जाते हैं। दोस्तों इन पकौड़ों को हमने 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाना है और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से पकाना है। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो होगा, ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से भी पक जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पकौड़े हमारे अच्छे तरीके से दोनों साइड से पक चुके हैं। और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों इस किस्म की मज़ीद छोटी छोटी और बहुत ही कम खर्च वाली वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे प्याज के पकौड़े रेडी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।